मॉर्निंग जी। यस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी गिल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तब गोल्ड की मूवमेंट 2034 के आसपास थी, और मैंने ये कहा था कि यहां से नीचे जाने के चांसेस हैं क्योंकि ये 37 के नीचे काफी जो है स्टे कर चुका था। तो यहां पर मैंने कहा था कि नीचे जाने के चांसेस है। आप 2030 पे देखिएगा, अगर ये ब्रेक ना हुआ, इसके नीचे अगर कोई क्लोज ना लगा तो अपसाइड जाएगा, और अपसाइड इसको 37 से अप जो है वो स्टे तब करेगा जब ये इसके ऊपर H4 का क्लोज लगे और स्टे करे, तो ये फिर मजीद अप जो लेवल है 2049 का वहां तक जा सकता है। और अगर ये इसके ऊपर H1 का भी क्लोज दे के स्टे करता है तो भी यहाँ तक जा सकता है 49 के पास आसपास। यहाँ से अपसाइड गया, यहाँ से नीचे की साइड आया। आप देखें 2030 को टेस्ट किया इसने और 1 मिनट का क्लोज भी जो है वो ब्रेक क्लोज नहीं लगा इस एरिया को। यहाँ पर अगर हम देखें इसको यहाँ पर, तो आप देखिए कि बिल्कुल प्रॉपर जो है वो इसको थोड़ा शेडो ब्रेक तो जरूर हुआ लेकिन इसके नीचे कोई क्लोज नहीं लगा। और ये यहाँ पर और क्लोज ना लगने की वजह से यहाँ से दोबारा एकदम फास्ट देखे ना, मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर हमारे जो लेवल्स होते हैं उनको ब्रेक होना आता है ना तो एक साथ फास्ट जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर ब्रेक नहीं हो रहा और वहां से स्टे कर रहा है उसके ऊपर, तो इट मीन्स वो लेवल इतना आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे M15 ने भी यही पे जो है ना वो इस तरह की ही पोजीशन दी, इसको टैस किया और एक एक बुलिश क्लोज, फिर दो सेल क्लोज, स्टे 3-2 के ऊपर स्टे, और वहां से फिर जो है वो बुलिश हुआ और 2044 को टैस किया। यहां पर अगर हम देखें तो ये इसके ऊपर अभी तक H4 का क्लोज दे ही नहीं पाया है, मतलब 2037। मैंने ये कहा था कि इससे अपसाइड जो है वो ये होल्ड तब करेगा जब इससे ऊपर H4 का क्लोज लगेगा, अदरवाइज जो है वो मुश्किल है। हो सकता है ये ऊपर से फिर डाउन आ जाए और इस तरह से। अब नीचे का जो है वो 2030 का एरिया है और अपसाइड 2037 का एरिया। इससे अपसाइड जो है वो H1 के क्लोज, एक क्लोज लगा, दूसरा नीचे आके शेडो ब्रेक कर दिया इसने, नीचे और सेल में क्लोज कर दिया। तो मतलब इस पोजीशन में वीकनेस शो की इसने और ये दोबारा नीचे की तरफ मूव कर गया। और अगर इसको अपसाइड रहना होता तो यहाँ H4 का क्लोज करता, लेकिन H4 का क्लोज इसने यहाँ दिया, ये 36 पे ये H4 का क्लोज दिया और उसके बाद ही अपसाइड गया। तो ऐसा होता है कि अगर लेवल को ब्रेक क्लोज देना होता है ना तो वो क्लोज के टाइम पे आप नोट क्या करें, अगर वो लेवल के आसपास आके क्लोज ब्रेक क्लोज नहीं दे रहा तो इट मीन्स बहुत मुश्किल होगा कि वो अपसाइड जो है वो ब्रेक क्लोज करे, चाहिए रेजिस्टेंट में हो या फिर सपोर्ट में हो। फिर उसमें जा तो सकता है अपसाइड लेकिन वहां इस क्लोज उसका मुश्किल हो और वो फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है अगर बाय में हो। रेजिस्टेंट के एरिया से अगर हम देखें और सपोर्ट के हिसाब से देखें तो फिर जो है वो इसी तरह से नीचे जाके अपसाइड होगा। तो इस तरह की पोजीशन यहाँ पर क्लियर कर रहा था तकरीबन, ये जो कि 37 पे 36 पे जो इसने क्लोज करने के बाद ही एकदम फौरन ऊपर चला गया। या तो फिर ये होता कि इसको क्लोज करता और ये सेकेंड H1 जो है वो यहाँ ना नीचे लाता, यहाँ तक यहाँ यहीं कहीं लाता, यहाँ कहीं क्लोज करता और फिर यहाँ से बुलिश होता तो फिर इसके ऊपर जाके और फिर स्टे कर सकता था। लेकिन ये जो करना कि एक लेवल के बिल्कुल आसपास आ गए, मतलब 36 पे क्लोज दिया, 37 का लेवल है, यहाँ H4 का क्लोज लगा और सेकंड H1 में सीधा अपसाइड चला गया। तो ऐसी पोजीशन में काफी हद तक चांसेस होंगे कि शायद ये ब्रेक क्लोज ना करे। अपसाइड जा तो सक जाए जा सकता है लेकिन ये कि ब्रेक क्लोज ना दे। और क्यों जा सकता है उसका यही है कि नीचे सपोर्ट पे है, ये भी ज़हन में रखना होता है ना कि जा सकता है या नहीं जा सकता। वो जा इसलिए सकता है कि अगर सपोर्ट पे प्रॉपर है तो रेजिस्टेंस के आसपास जा सकता है। तो ऐसी पोजीशन में देखें M15 के अंदर भी अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम जो है वो अच्छी पोजीशन बनी यहाँ से बाय के लिए, ये जो एरिया था यहाँ पर, और यहाँ से एक अच्छी मूव दी भी।
तकरीबन जो है वो 120-140 पिप्स के करीब। लेकिन अगर यहाँ से भी लेते हैं तो भी 120 पिप्स की जो है वो एक अच्छी मूव थी। तो यही था कि अगर ये 2030 को ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से दोबारा चांसेस हो। इसके नीचे हमें H1 का क्लोज चाहिए, उसके बाद हम इसको नीचे सेल में देख सकते हैं। अगर इसके नीचे H1 क्लोज करता है तो फिर ये थोड़ा बहुत अब जाके फिर ये दोबारा 2025 या फिर इससे नीचे जो है वो 2020 तक भी आ सकता है। तो ये फिर तब होगा जब 2030 के नीचे H1 का क्लोज लगे। तो ये ब्रेक ही नहीं हुआ तो अब नीचे यहाँ से तो सेल जो है वो वैसे ही नहीं देख सकते। और इस तरह की पोजीशन अगर ये देता है M15 में हमें लेवल्स के ऊपर, तो हम यहाँ से वन साइडेड ही देख सकते हैं जो बाय है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो आज मैंने जो है ना वो एक रेजिस्टेंस लिया है बीच में, ये 2036.9 से लेकर 2039 वाला है। असल में यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो 2037 जो है एज ए सपोर्ट एरिया तो था, लेकिन यहाँ प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर बीच में एक, ताकि हमें इसको मॉनिटर करने में आसानी हो। एक तो ये अप और डाउन इतना फास्ट ब्रेक अप और डाउन हुआ हुआ है कि कोई पता नहीं है कहाँ से बड़ी मूव लग जाए। तो इसलिए हमें बेहतर है कि हम बीच में भी एक ऐसा एरिया लें जहां पर अगर कोई एंट्री बने तो हमें सेल और इसके हवाले से भी आसानी रहे। तो ये अब 2037 का एरिया जो है वो सिर्फ एज ए सपोर्ट ही देख सकते हैं, और रेजिस्टेंस एरिया ये है, ये एक माइनर सपोर्ट एरिया है, ये ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये ऊपर उससे जो है वो सपोर्ट है। फिर ये 20 ये एक माइनर सपोर्ट ही कह सकते हैं, ये मेजर सपोर्ट है और ये एक मेजर रेजिस्टेंट भी है। ये मेजर तो नहीं है लेकिन ये H1 के अंदर हम H1 तक देख सकते हैं। ये एरिया जो है वो H4 के हवाले से है, रेजिस्टेंट एज ए रेजिस्टेंट और सपोर्ट जो है वो ये 2030 वाली जो है वो H1 की ही है। तो अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं क्या क्या पोजीशन बनने वाली है। पहला तो ये है कि आज वीकली क्लोज है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा हर वीक की तरह के कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। न्यूज तो नहीं है आज, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि न्यूज नहीं है तो कोई बड़ी मूव नहीं लग सकती। आपने देखा भी होगा स्पेशली क्लोजिंग डेज में, चाहे वो वीक की हो मंथ की हो या ये कि इनके अंदर जो है न्यूज ना भी हो तो भी एक बड़ी मूव लग जाती है। तो इसलिए एहतियात करिएगा, लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। और मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से डिटेल में बताने की क्या आप कहाँ क्या देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पर पोजीशन ये है कि इसने इस एरिया को फास्ट नीचे और अपसाइड फास्ट ब्रेक किया हुआ। अब देखें ये अगर ये एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर इसको स्टे करता है तो फिर हम दोबारा यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ थे, नोट करिएगा, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो इसके बाद दोबारा यही चांस होगा। हो सकता है मतलब ये हो या फिर इससे नीचे भी हो सकता है अगर ये इसको टेस्टेड करता है, टेस्टेड रखता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। आप इसके नीचे आप 30 के नीचे फिर भी वही देखेगा कि इसके नीचे क्लोज लगे जिस तरह कल लगे थे, मैंने कल की जो डिटेल बताई इसी तरह से, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या देखना है। अगर तो ये एरिया ब्रेकआउट हो जाता है, यहां तक आ जाती है मार्केट, तो आप वेट करिएगा। अगर 37 से ऊपर H4 का क्लोज लगता है तो फिर ये कहानी हो सकती है। अब मेरे हिसाब से मुझे यही लग रहा है, ये एरिया ब्रेक हो तो ये नीचे भी आ सकता है। यहाँ पर आपने पोजीशन देखनी है, किस तरह देखनी है वो भी मैंने कल की इस यहाँ पर जो M15 ने किया हुआ था, तो उसी हिसाब से आपने ये जो नीचे की पोजीशन भी देख सकते हैं। और ऊपर जो है मैंने ये बता दिया, अब इसके बीच में क्या करता है, क्योंकि ये अपना जो है ना वो डे के क्लोज भी 32 से ऊपर ही रख रहा है, पिछले दो क्लोज जो है वो उसके करीब करीब ला के इसने दिए हैं। तो अब यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है कि ये वन साइडेड मूव करे। मेरा ख्याल है कि वो भी सकता है वन साइडेड, मतलब नीचे आके कहीं चला जाए या फिर ऊपर भी फास्ट जा सकता है। ऊपर क्यों जा सकता है, देखिए ना ये पूरे के पूरे सारे रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक है, कोई पता नहीं है किसको टेस्ट कर रही है। नीचे भी पोजिशन देखें तो ये पिछली बार जो गया है तो इसने शेडो तो यहाँ भी ब्रेक किया हुआ, और ये एरिया ऑलरेडी भी कई बार ब्रेक हो चुका है। ये देखें क्लोज भी लगे हुए हैं और इसके नीचे मार्किंग क्लोज भी किए हुए हैं।
तो इस तरह की पोजीशन बनी हुई है, ऐसी पोजीशन में आप लेवल टू लेवल इसी तरह से मॉनिटर करें। अगर तो ये यहाँ पर जो है ना 3.9 से ऊपर अगर H1 का भी क्लोज लग जाता है, यहाँ एक चीज नोट करिएगा, अगर ये 3.7 जो है ना इससे ऊपर H4, लेकिन ये कि अगर इससे ऊपर जो है वो H1 का क्लोज भी लग जाता है 3.9 से ऊपर, तो फिर काफी हद तक चांसेस होंगे कि ये यहीं स्टे कर जाएगा। ठीक है, समझ आ रही होगी। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर ये यहां से H1 का क्लोज करता है तो फिर ये दोबारा 36 तक शायद आ जाए, और 35-36 तक, और यहां से ये दोबारा अपसाइड चला जाए। तो ये भी आप इस तरह से देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा 2037 के यहाँ पर H4 के क्लोज का वेट जरूर करिएगा, क्योंकि ये जब तक H4 का क्लोज नहीं देगा यहाँ पर, इसके अंदर एक अच्छी बाई पोजीशन नहीं बनेगी, तो इसलिए एहतियात करिएगा। तो मेरे हिसाब से जो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो मुझे यही लग रहे हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।